लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं खड़े होंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप डबास। स्वागत है आपका जनता टीवी के इस खास कार्यक्रम जिसका नाम है कौन बनेगा एमपी। जी हां, कौन बनेगा एमपी का ये कारवा आज पहुंचा है गुरुग्राम लोकसभा सीट का मिजाज जानने के लिए। गुरुग्राम जो कभी गुड़गांव होता था उसका नाम बदल कर गुरुग्राम कर दिया गया, लेकिन नाम बदलने से जिले के इस लोकसभा सीट के विकास में कितना बदलाव हुआ है वो आज हम जानने की कोशिश करेंगे। गुरुग्राम लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली जो अलग अलग तीन जिलों की सीटें आती है मैं वो भी आपका परिचय करवा लेता हूँ। गुरुग्राम की चार विधानसभा सीटें इस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। नूह की, ये भी एक मेवात जिला होता था जिसका नाम बदल दिया गया, तीन सीटें विधानसभा की इस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। और रेवाड़ी जिले की दो सीटें आती है, कुल मिलाकर नौ सीटें। कितना विकास हुआ शिक्षा का, स्वास्थ्य का, हम हर बात को जानने की कोशिश करेंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे महिला सुरक्षा को लेकर कितना यहाँ पर बदलाव हुआ है, कितना काम हुआ है, रोजगार को लेकर कितना काम हुआ है, सब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ गुड़गांव के लोग मौजूद हैं, साथ ही अलग अलग राजनीतिक दलों के हमारे साथ प्रतिनिधि मौजूद हैं। मैं एक परिचय आपका करवा देता हूँ। सतीश खोला जी हमारे साथ बीजेपी से मौजूद हैं, सुखबीर तंवर जी इंडियन नेशनल लोकदल से मौजूद हैं और आम आदमी पार्टी से सुधीर यादव जी मौजूद हैं। तंवर जी, मैं पहले बीजेपी से एक सवाल ले लेता हूं, तंवर जी आपके पास बाद में आऊंगा। तीन टर्म से सांसद साहब यहां से हैं, दो टर्म उन्होंने कांग्रेस की टिकट पर निकाले, अब बीजेपी से सांसद हैं। क्या कुछ कर दिया गुरुग्राम लोकसभा सीट के विकास के लिए, जरा हिसाब दे दीजिए गुरुग्राम की जनता। सभी को नमस्कार। गुड़गावा गुरुओं की धरती है, इसका नाम गुरुग्राम इसलिए रखा गया है कि पवित्र भूमि है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं राव इंद्रजीत सिंह जी, एक ईमानदार छवि के सांसद हैं। खासकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस क्षेत्र में सबसे बड़ी परियोजना जो मेडिकल के क्षेत्र में मानी जाती है एम्स मणेठी, इसी लोकसभा क्षेत्र में मणेठी में आई है। शिक्षा के रूप से जब देखते हैं तो एक बड़ी यूनिवर्सिटी गुड़गावा को मिली है, कई सरकारी कॉलेज रेवाड़ी को मिले हैं और भी अन्य कई सारी योजनाएं हैं जो आज तक कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। इतनी सारी सरकारें रही, अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों ने राज किया, लेकिन सबका साथ समान विकास का नारा प्रधानमंत्री जी का, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी का, और सबसे बड़ी बात पारदर्शी सरकार, चाहे वो केंद्र की सरकार है चाहे वो राज्य की सरकार है, नौकरियों में देने के लिए पूरी पारदर्शिता यहाँ पर बरती गई है। यही हमारा कामकाज है, स्वच्छ प्रशासन दिया है, ईमानदार प्रशासन दिया है, ईमानदार व्यक्ति दिया है, ईमानदार मुख्यमंत्री दिया है, ईमानदार प्रधानमंत्री दिया है, सब गिनवा दिया। सतीश जी आपने अभी आपने आपने, आपने कामकाज का हिसाब मांगा, आपने सब गिनवा दिया, ये बता दीजिए सांसद साहब इतने नाराज क्यों रहते हैं, नाराज की पार्टी से है या आप सीधा कहूँ तो सीएम साहब से? नहीं नहीं, ये सब मीडिया की देन है, ऐसी कोई नाराजगी नहीं, नहीं, नहीं है। मीडिया की देन नहीं है, मीडिया की देन तो जब होती जब वो स्टेज से ना बोलते, स्टेज से नहीं बोलते तब मीडिया की देन होती। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हर कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता के साथ मिलकर के काम करते हैं। उनके जो समर्थक विधायक है वो भी कहते हैं सुनवाई नहीं होती, सीएम साहब आके चले जाते हैं, न्योता नहीं मिलता, बुलाया नहीं जाता। जितने भी विधायक हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, सांसद भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उनके काम का, सभी विधायकों के काम का पूरा लेखा जोखा सभी के सामने है। गुड़गावा ने जो विकास किया है मूलभूत ढांचे में, सड़कों में, बिजली में, पानी में, उसका सबका गुड़गांव ने विकास देखा है, वो आंसू भी देखे हैं जो विधायक महोदया के आंखों से निकल गए थे। मैं आ जाता हूँ सुखबीर तंवर जी आपके पास, बहुत सारे काम गिनवा दिए, संतुष्ट है लोग? देखिए, जहां तक लोगों की संतुष्टि का सवाल है, वो संतुष्टि उस वक्त संदेह के घेरे में आ जाती है जो अभी खोला साहब बात कर रहे थे, स्पष्टीकरण दे रहे थे। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा
ये माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी पटौदी में आए थे और वहां जो स्थानीय विधायक थी उस कार्यक्रम में स्थानीय विधायक को निमंत्रण नहीं मिला और उस कार्यक्रम के दूसरे दिन जिस प्रकार से हरियाणा सरकार के मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल जी, विक्रम ठेकेदार जी और स्थानीय विधायक पटौदी और गुड़गावा की मेयर और वाइस चेयरमैन जो जिला परिषद के हैं ये सारे अगले दिन किस प्रकार से इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी वो इस प्रदेश की जनता ने बखूबी देखा था। तो ये बेफिजूल की ये ढोंग बाजी ना करें, जो बात है उसको स्पष्टता से स्वीकार करें। और दूसरी बात मैं कहना ये चाहता हूँ, पिछले 15 साल से जैसा कि आपने बताया माननीय राव इंद्रजीत सिंह जी यहाँ गुड़गावा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और देखो कितनी विडंबना और कितनी दुखद स्थिति है कि राव साहब का निरंतर प्रदेश सरकार, चाहे वो कांग्रेस की 10 साल की प्रदेश सरकार थी, चाहे आज 5 साल भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार को होने वाले हैं, इन्होंने निरंतर उन सरकारों के साथ अपनी चौधर के विषय में संघर्ष किया और इनके संघर्ष का जो नतीजा, जो विकास कार्य इस गुड़गावा लोकसभा क्षेत्र में होने चाहिए थे वो विकास कार्य नहीं हुए, इनके संघर्ष का प्रतिफल यहाँ गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र की जनता क्यों भुगते, इस बात का मैं चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो साथी आए हैं वो इस बात का जवाब दें। गुड़गांव को लेके, गुड़गांव के विकास को लेके बता दीजिए क्या क्या ऐसे मुद्दे हैं गुड़गांव के विकास के। तो हम दूसरे जिले में जाते हैं, नेता कहते हैं गुड़गांव जैसा विकास करेंगे, लेकिन गुड़गांव में लोगों से आके पूछते तो कहते हैं विकास हुआ नहीं। आप बता दीजिए आपके कौन से ऐसे मुद्दे हैं, उसके बाद जवाब लेंगे इनसे। देखिए सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी को एक चीज बताना चाहता हूँ, देश 2014 से स्टार्ट नहीं हुआ, ये सारी कैलकुलेशन 2014 स्टार्ट करते हैं। इनको मैं याद दिला दूं, एक फिल्म का मशहूर गाना है, वायरस झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है, ये सारी शुरुआत ही झूठ से करते हैं। और वहां ना गाड़ी है ना हाथी है, वहां सिर्फ पैदल जाना है। दूसरी चीज मैं इनको बता दूं, एक झूठ बोलते हैं कि केजरीवाल से नरेंद्र मोदी से झूठना है भाई कोई भी। अब मैं दूसरी बात बता दूं, मुद्दे पे आता हूं मैं जो आपने पूछा। देखिए विकास की परिभाषा मंदिर मस्जिद नहीं हो सकती, विकास की परिभाषा कभी भी जातीय संघर्ष नहीं हो सकता, जाट नॉन जाट नहीं हो सकता। जो प्रदेश ने देखा है, जो देश ने देखा है पिछले 4-4.5 साल में, मैं बताना चाहता हूं जो विकास है वो आज के युवाओं से आएगा, कल जो हमारे बच्चे हैं वो कल का भविष्य है भारत के, उनकी शिक्षा से आएगा, घर के स्वास्थ्य से आएगा। जो दिल्ली में काम किए हमने शिक्षा और स्वास्थ्य पे, उसी तरह का काम अगर हरियाणा में किसी भी राज्य में हुआ होता तो बात ही कुछ और होती। जब हमारे मुख्यमंत्री आते हैं, मैं शिक्षा पे, मैं युवाओं के रोजगार पे तमाम बातें एक बार जनता के बीच जाता हूँ, पूछता हूँ, हमारे साथ गुड़गांव के लोग भी मौजूद है, मैं एक बार पूछ लेता हूँ, महिला सुरक्षा को लेकर आप क्या कहें? नाम पर कोई भी सुरक्षा नहीं नाम है। मेरा नाम ममता सचदेवा, इनेलो पार्टी से जी। महिलाओं की सुरक्षा को लेके एक उठा है जी, गुड़गांव, गुड़गांव को जो चाहिए था सब मिला है। नाम आशीष कुमार, पूरा पूरा विकास मिला है, नई फ्लाईओवर मिले हैं, दुर्गम साधन मिले हैं, जाम से मुक्ति मिली है, पानी की सुरक्षा हो रही है। इनको ये भी बता दीजिए कि जो फ्लाईओवर है वो 6 महीने में टूट गए थे, चाहे वो ये फर्जी विकास है जी। मेरा नाम सतपाल है, मैं गाड़ोली गांव से हूँ। किसान के नाम पर 2004 के अंदर एक्वायर हुई थी 1487 एकड़, 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, 10 साल के अंदर एक ईंट भी नहीं लगी, 5 साल बीजेपी को हो गए, 5 साल में एक ईंट लगी नहीं लगी। यानी किसान के नाम पर दोनों पार्टियां ढोंग कर रही है, और भाई किसान को हम ये देंगे, किसान को ये देंगे, आप जाके देखे नॉट ए सिंगल पीस हैज बीन लेड डाउन ऑन दिस लैंड। मैं कहना चाहता हूँ कि किसान की बात करते हैं तो किसान को ज्यादा 1487 एकड़ उस पर झाड़ झंकट पैदा हो रहे हैं, ये किसका नुकसान है? देश का नुकसान है, किसान का नुकसान है। और सेक्टर 37C के अंदर इन्होंने एक्वायर की थी जमीन और वहां पर सारे बिल्डरों को जमीन दे दी और सारी कुल 50 एकड़ जमीन बची है, क्या उसके अंदर जवाब ले लेते हैं? जवाब ले लेते हैं, मैं आ रहा हूँ आपके पास, एक बार इसके जवाब लेके आता हूँ मैं। जमीन एक्वायर हो गई, डेवलपमेंट का कोई काम नहीं हुआ, आरोप ये सरासर लग रहे हैं। महिला कहती है कि महिलाओं के सुरक्षा को लेकर कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं,
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है आपकी ओर से, दोनों सवालों के जवाब दीजिए। इसमें एक मेरा सवाल और जोड़ लीजिएगा, रॉबर्ट वाड्रा इनका फूफा बना बैठा आज की डेट में। सुधीर जी मैं आ रहा हूँ। देखिए भूमि अधिग्रहण की जहाँ तक बात है, प्रदेश में जब हमारी सरकार बनी तो बावल में 700 एकड़ जमीन का जब नोटिस था, किसानों ने मना किया कि हम जमीन देना नहीं चाहते, वो नोटिस खत्म करके वो सारी की सारी जमीन वापस किसानों को दी गई। एक इंच का जमीन का टुकड़ा हमारी सरकार ने, ना केंद्र सरकार ने ना प्रदेश सरकार ने जमीन एक्वायर की है, ना ही किसी बिल्डर को देने का काम किया है, ना ही किसी व्यक्ति को देने का काम किया है। जो मूलभूत ढांचा है, चाहे रेलवे का है, चाहे सड़क का है, या कोई दूसरी चीजें जो जरूरी है, नहर का है, उनके लिए जमीन एक्वायर की गई और उन पर भी जो मुआवजा दिया गया वो किसानों के अनुसार दिया गया, उनकी डिमांड और सर्कल रेट से ज़्यादा दिया गया। और जहाँ तक महिला सुरक्षा की बात है, मैं बहन जी को बताना चाहता हूँ कि अगर इस प्रदेश में महिला थाना बनाए गए तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बनाए गए। दुर्गा वाहिनी के नाम पर एक महिला पुलिसकर्मियों की टीम जो पूरे क्षेत्र में घूमती है वो भारतीय जनता पार्टी के समय में बनाई गई। लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कई स्कूलों की बच्चियों ने स्कूल जाना इसलिए बंद कर दिया था क्योंकि छेड़छाड़ की घटनाएं होती थी। महिला सुरक्षा पे आप ना ही बोले तो बढ़िया है, लॉ एंड ऑर्डर पे। हमारे साथ राजेश यादव कांग्रेस से भी जुड़ गए हैं। दूसरी, आप भूमि अधिग्रहण की बात कर रहे थे, जैसे कि भाई साहब कह रहे थे, जितना भी भूमि का घोटाला बिल्डरों को दिया गया या किसी दूसरे व्यक्तियों को दिया गया, नेताओं ने अपने जेब में डाला, वो सारे के सारे घोटाले या तो कांग्रेस के जमाने के हैं या चौटाला साहब के जमाने के हैं। एक भी जमीन का घोटाला या किसी भी तरीके का भ्रष्टाचार का मामला, एक भी भ्रष्टाचार का मामला जमीनों से संबंधित, आप भारतीय जितने भी साथ यहाँ बैठे हैं, एक भी कोई व्यक्ति यहाँ बता दे तो मैं उनकी बात मानने के लिए तैयार हूँ। पूरा ही लेंगे 5 साल का जवाब। जितने घोटाले हुए कांग्रेस के वक्त में हुए, एमपी तो कांग्रेस में भी यही थे, अब भी यही है, अब ये दूध के दुले हो गए। आने दो, बोलने दो, एक बार बोलने दो, फिर आता हूँ, बोलने दीजिए। देखिए डबास जी, आप आज से 5 साल पहले 2014 के इन्हीं दिनों की बात है कि हरियाणा में नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के लोगों को और देश और प्रदेश के लोगों को कैसे कैसे झांसे दिए थे, सबका साथ सबका विकास, अच्छे दिन आने वाले हैं, भ्रष्टाचार मुक्त शासन, बहुत हो चुकी महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ किसानों पे अत्याचार, अब की मोदी बार मोदी सरकार। आज समय ये है डबास जी कि ये अपने 5 साल का हिसाब दें, भारतीय जनता पार्टी वाले की इन्होंने 5 साल में क्या किया। 2013 में भी आप ये कह के सत्ता में आ गए कि पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया, और आज 2-5 साल जब आपको सत्ता का सुख भोगते हुए हो गए, 5 साल बाद भी आप ये कह रहे हैं पिछली सरकार। सुनिए दूसरा, आज आप गुरुग्राम लोकसभा में है, हम गुरुग्राम लोकसभा की बात कर लेते हैं। गुरुग्राम के सांसद माननीय राम इंद्रजीत जी ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा था और कहा था कि पक्षपात हो रहा है, पक्षपात क्या हो रहा था, डिफेंस यूनिवर्सिटी नहीं बन रही, राव तुलाराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड साइंस नहीं बन रहा, गुड़गांव में यूनिवर्सिटी नहीं बन रही, गुड़गांव में मेडिकल कॉलेज नहीं बन रहा, गुड़गांव में मेट्रो हुड्डा सिटी सेंटर से 1 इंच भी आगे नहीं सरकी, गुड़गांव के जो एक्सप्रेस वे है इसका अल्टरनेटिव सड़क नहीं बनाई जा रही। 5 साल में ये पूछा जाना चाहिए कि माननीय राव इंद्रजीत सिंह ने क्या इनमें से एक भी योजनाओं को पूरा करवाया। पूरा करवाना तो छोड़िए, क्या किसी योजना का काम भी शुरू हुआ आज तक? आप दस साल आप ही के सांसद रहे, हमारी सरकार नहीं, मैं बता देता हूँ, मैं अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड देंगे, लेकिन पहले इनसे पूछिए कि इन्होंने 5 साल में क्या किया। ये कह रहे थे महिला सुरक्षा, अरे साहब गैंगरेप का हरियाणा को पर्वत बना दिया आपकी सरकार ने, गैंगरेप के मामले आपके सुनिए राजेश जी,
उन्होंने जो जवाब देना था दे दिया, आपके सवाल भी सुन लिए। जमीनों की बात राजेश जी ने की, क्या कांग्रेस के जमाने में जमीनों घोटाले नहीं हुए? कितने बड़े कांग्रेस के समय में अधिग्रहित करके प्राइवेट बिल्डर को नहीं दी गई हजारों करोड़ रुपए की एक इंच जमीन किसी प्राइवेट बिल्डर को कांग्रेस ने नहीं दी। अगर जो घोटाला था वो M3M बिल्डर आपका सहयोगी कैसे बना हुआ है? उसी M3M बिल्डर का अगर वास्तव में जमीनों का घोटाला हुआ तो कांग्रेस के जमाने में हुआ। आज तक ये उसका एक रुपए का हिसाब नहीं दे पा। भर्तियों के अंदर इतने बड़े नेता भर्तियों के अंदर है साहब, ये बताइए अगर जो घोटाला हुआ था पब्लिक से सवाल लेके आ रहा हूँ, नहीं उठा सकते क्योंकि आप खुद आकर भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। सुनिए थोड़ा शांत हो जाइए। मेरा नाम सुरेंद्र पाव, किशन नगर में सिरोही रहता हूँ। मैं आपको एक पहली बात किसानों के ऊपर बताता हूँ, इन्होंने 6,000 का टुकड़ा किसानों को दिया, वो भी 3 किस्तों में 2,000। आप ये बताइए 2,000 में किसान खाद खरीद सकता है, बीज खरीद सकता है, क्या कर सकता है? किसान के रेट नहीं बढ़ाए, किसान का साथ खाद सस्ता को नहीं गया, डीएपी का कट्टा 600 रुपए महंगा हो गया, यूरिया का कट्टा महंगा हो गया, कौन सी मशीनरी महंगी नहीं हुई, किसानों को क्या सब्सिडी उन्होंने दी, मौजा कराई, सारा ऑनलाइन कर रखा है, किसी को मिलता है किसी को नहीं मिल रहा, किसानों की बद हालत इसमें है। दूसरी मैं गवर्नमेंट सर्वेंट की बात करूंगा, युवा इन्होंने जो हमारे MSc BSc ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट बालक है 10,000 के 40,000 मजदूर बनाकर रख दिए। इस सरकार में कुछ भी काम नहीं हुआ, सिर्फ रोजगार पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार छोटा दिया है, एक बात। दूसरी बात, 6,000 रुपए आपने क्यों नहीं फसलों के दाम इतने कर दिए कि किसान खुशहाल हो जाए? दो बड़े सवाल, 6,000 रुपए से किसान का काम नहीं चलता। मैं बताता हूँ, जब सरकार बनी तो कुदरत की मार हुई, ओलावृष्टि हुई हरियाणा में, 1,150 करोड़ आप पहले मेरी बात सुनिए, 1,150 करोड़ रुपए ओलावृष्टि के मात्र 45 दिन में हरियाणा सरकार ने किसानों को सीधा खाते के रूप में दिया। ऐसे हाथ हिलाने से बात नहीं पड़ेगी, 1,145 करोड़ और छह हजार रुपए की जहाँ तक की बात है, जो 1 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर से कम के किसान है उनके लिए 6,000 रुपए खाद और बीज के लिए, हमारा ये मानना कि शुरुआत है, धीरे धीरे करके बढ़ेगी। लेकिन ये 60 साल में कांग्रेस की सरकार रही, नाथन आयोग की रिपोर्ट बारे में कृषि मंत्री ओम प्रकाश जनता इस कार्यक्रम को देख रही है, वो क्या अपना समय नष्ट कर रही है? जिस भाई को भी जो अपनी बात कहनी हो वो सफलता से कहे और इस प्रकार से ना करे। दूसरी बात मैं कहना ये चाहता हूँ, कांग्रेस के 10 साल के शासनकाल में जिस प्रकार से जमीनों की लूट हुई वो गुड़गांव में नहीं, पूरा पूरा शासनकाल पूरा प्रदेश बोल नहीं पाएंगे, समझ लीजिए, आप बोल नहीं पाएंगे।
साल की, पिछले पांच साल में जिस प्रकार से गुड़गावा साइबर सिटी अंतर्राष्ट्रीय पहचान को एक धूमिल करने का जो भारी प्रयास हुआ, मैं कहना उसमें ये चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में गुरुग्राम को विश्व के सबसे प्रदूषित शहरों का तकमा इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिला। दूसरी बात जो अरावली के साथ जो भाई पीएलपीए की बात कर रहे थे राजेश जी, मैं उनकी बात का समर्थन करता हूँ। किस प्रकार से पूंजीपतियों के हाथों में खेलकर और जो वन संपदा थी उसको नष्ट करने का, और इस गुड़गांव के पर्यावरण को जो सबसे ज्यादा जो पहले ही विश्व में नंबर एक है उसको किस प्रकार से प्रदूषित करने का दुगनी मात्रा में काम किया, यहाँ के गुड़गांव के एनसीआर के सहयोग के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ का इससे अरावली प्रदूषण पे आऊंगा। मैं इस पे एक चीज कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्ता जो आए हैं वो राजनीतिक शिष्टाचार का थोड़ा पालन करें और दूसरे को बोलने का मौका दें। मैं चार पॉइंट के बाद अपनी बात खत्म कर दूंगा। पहला पॉइंट ये है कि भारतीय जनता पार्टी वाले भूल गए उनका विकास जो प्रदेश अध्यक्ष का लड़का है वो चंडीगढ़ में लड़कियां छेड़ते हुए मिला था, ये तो व्यक्तिगत है। सेकंड, व्यक्तिगत कैसे सर कमाल करें इनके से आप प्रदेश अध्यक्ष। दूसरा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं और इनके प्रदेश अध्यक्ष के लड़के ऐसे हरकत करते हैं। दूसरा, अंबाला में इनके जिला अध्यक्ष के लड़के कल पकड़े जाते हैं ड्रग्स सप्लाई में पंजाब में। तीसरा, जब ये बात करते हैं जमीन घोटालों की और ये बात करते हैं सारा जो भ्रष्टाचार पिछली सरकार ने किया भूल जाते हैं, पिछली सरकार में इंद्रजीत कांग्रेस में थे जो आज आपकी पार्टी में। चौथा, जब ये बात करते हैं घोटालों की तो पड़े आन पान शान के साथ जी जो शास्त्री करा था वो आज इनका फुफा होना बैठा है रॉबर्ट वाड्रा। ये कर रहा हुआ साढ़े चार साल में कुछ नहीं हुई। अब मैं जरा गुड़गांव के मुद्दे ले लेता हूँ। पानी की निकासी बड़ा मसला, एक बात बड़ा मसला, पानी की निकासी, बारिश होते ही दो दो फुट पानी, ये मैंने गुड़गांव में लोगों से बात की उन्होंने बताया। दूसरा बड़ा मसला और गुड़गांव और नए गुड़गांव में पानी की सप्लाई का, आप बता दीजिए सर ठीक है सब कुछ। नाम बोलिए। कहीं कुछ ठीक नहीं है, मेरा नाम अली लमड़दार है, मैं बसई गांव का रहने वाला हूँ। मेरे एक आपसे सवाल है मेरा, यहाँ हमें इंद्रजीत के खिलाफ कुछ पूछना है, मोदी से भी पूछ सकते हैं हम मेरे विचार ये हैं। एक तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि 15 साल का जो भी एमपी साहब को अपना कोटा मिलता है उसका हिसाब वो जनता को एक बार खड़ा होकर देते हैं। 15 साल से लगातार एमपी है वो। दूसरी बात, कितने ही मील के पत्थर उन्होंने या कॉलेज, कोई भी सरकारी कॉलेज गुड़गांव विधानसभा में, बादशाहपुर विधानसभा में कॉलेज, हॉस्पिटल, स्कूल, स्टेडियम या रोजगार, पत्थर रखे गए। अगर एक भी काम वो अपना यहाँ खड़ा होकर गिनवा दे तो हम भी उन्हीं को वोट देना शुरू कर देंगे। जी, 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 जी। 10 साल कांग्रेस की सरकार था यही एमपी था, आज 5 साल की बीजेपी की सरकार है ये एमपी है। ये 15 साल में बता दे गुड़गांव में कोई कॉलेज, सिर्फ पत्थर रखे हैं। विकास करा था चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने, 2 कॉलेज दिए थे, एक 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 नो सेक्टर में, एक ईएसआई 2 ईएसआई के हॉस्पिटल दिए थे, एक माणेसर में, एक नो सेक्टर में, और इस गाँव में खेल स्टेडियम मेदंता हॉस्पिटल ला कॉलेज, इतने विकास कार्य कराए थे 15 साल में। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, केजरीवाल उसके चक्कर में लग रहा है वो जो भी पैर छुआ जाते हैं। गुड़गांव में भी यूनिवर्सिटी को है, जब यूनिवर्सिटी होती है लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए थोड़ा शिक्षा का कोई बहुत आपका भी नहीं पाएगा।
सबसे बड़ी परियोजना जो प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है हजारों करोड़ रुपए और मेडिकल के नाम पर है दो सरकारी कॉलेज जो एजुकेशन में बहुत आगे है गठबंधन सबसे बड़ी बात होती है आप देखिए आप यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं आप ये बताइए थोड़ा सा दबासी 500 एकड़ में 1768 में यूनिवर्सिटी प्रस्तावित थी उसकी जगह कांकरोला में 50 एकड़ में इन्होंने यूनिवर्सिटी प्रस्तावित की 54 एकड़ में गुड़गांव का गवर्नमेंट कॉलेज है 50 एकड़ में यूनिवर्सिटी कैसे खुलेगी। दूसरा यूनिवर्सिटी के लिए इन्होंने मात्र 2 करोड़ रुपए का बजट एलोकेट किया है 2 करोड़ में तो उसकी बाउंड्री वॉल भी नहीं हो सकती। तीसरा राव तुलाराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज है सेक्टर 51 में 2014 में उसकी बिल्डिंग बनके तैयार हो गई थी। हरियाणा का इकलौता कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज था वो खुलना था उसमें 6000 सीटें होती उसको इन्होंने नहीं खोला और गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के नाम की मात्र 200 सीटें वहां अलॉट कर दी। तो आप बताइए वो कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसमें मात्र 200 सीटें है और कांकरोला चलिए मेरे पास यहाँ से 7 किलोमीटर है उसकी बाउंड्री वाला आज तक पूरी नहीं हुई। मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे थे मेडिकल कॉलेज कहाँ है ये तो पता नहीं पाए बीजेपी वाले तो पता नहीं पाए मेवात में कौन सा महिला कॉलेज खुला है अगर हरियाणा में एक महिला कॉलेज बता दे कौन सा खोला इन्होंने। देखिए जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के जो नेता श्रीमान खोड़ा साहब यहाँ आए हैं ना जनता का ना आपका और जो हम और जो दूसरी पार्टी के प्रतिनिधि यहाँ मौजूद हैं किसी सवाल का कोई संतोषजनक जवाब अभी तक नहीं दे पाए हैं। अब मैं बात करूंगा गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र की मूलभूत जो दिक्कत परेशानियां हैं उनके बारे में। आपके चैनल के माध्यम से मैं पूछना ये चाहता हूँ कि गुड़गांव मेवात रेवाड़ी ये 3 जिले ही नहीं अपितु समस्त दक्षिण हरियाणा कि एक जीवन रेखा SYL जिसपे 2.5 साल से ज्यादा हो गया समय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है कि नहर बनाओ इसके बावजूद नहर नहीं बनी सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अभी तक भी अनुपालना नहीं हुई और इस निर्णय के आने के बाद एक सर्वदलीय कमेटी का गठन आज के मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में हुआ था। बड़ा ही दुखद विषय है कि आज तक माननीय मनोहर लाल खट्टर साहब हरियाणा प्रदेश के हितों के रक्षार्थ प्रधानमंत्री जी से इवन मिलने का समय भी नहीं ले पाया। इससे बड़ी दुर्दशा कोई नहीं हो सकती जो ये हालात है इससे बड़ा सेम कुछ नहीं हो सकता। गुरुग्राम में मेरा 9वां प्रोग्राम है 10 लोकसभा सीटें 1 मिनट रुकिए आप बैठिए 10 लोकसभा सीटें है हरियाणा में आज ये 9वीं लोकसभा सीट है जहां SYL का मुद्दा प्रमुखता के साथ उठा है। केंद्र में आपकी सरकार मुकदमा जीत चुके सरकार आपकी स्टेट में भी है पानी नहीं आ रहा क्यों नहीं आ रहा अगर सही आंकड़ा देखेंगे नारनौल तो जाइए पानी नहीं है वहाँ पे आप नांगल चौधरी में जाकर नारनौल जाइए भाई साहब आखिरी टेल मैं रेवाड़ी जिले का रहने वाला नारनौल महेंद्रगढ़ में आता भाई साहब आखिरी टेल तक। देखिए भोला साहब SYL की बात कीजिए SYL की बात ठीक है लेकिन इनके जमाने में जो नहरें बनी थी उसका ये पानी नहीं दे पाए आखिरी SYL में जवाब नहीं है वो मानो मनोहर लाल खट्टर पानी की कैपेसिटी नहरों में है उससे ज्यादा पानी जितना ज्यादा पानी आ सकता था जवाब नहीं आती है एक झील बना करके वहाँ पानी डालने का काम किया ये खाली पारदर्शिता के साथ किया है। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा भाई आज बीजेपी वाले ने सीरियस बना लिया मोदी दिवस अप्रैल फूल मना रहा है जितनी चीज बोले झूठ बोले है इनका कोई मतलब नहीं है इन्हें ना मेरा पानी ना होवे इन्हें नू नहीं मेरा प्लीज दूसरा पानी भरा खड़ा रहे इंडिया में गुड़गांव जाम हो गया बारिश घूमा निर्माण हुआ छह महीना वो टूट जाओ विकास कहा गुरुग्राम का मुद्दा
मुद्दा एक गुरुग्राम का मुद्दा मैं एक गुरुग्राम का मुद्दा आप सबसे जुड़ा हुआ मुद्दा सुनिए रुक जाओ आजा 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 उन्होंने कहा टेल तक पानी पहुंच रहा है मैं पूछ लेता हूँ कितने दिन में नहर आती है नहर तो है ही नहीं तो है ही नहीं मैं बताऊँ आप लोग हमारे यहाँ तो पानी के नाम पर कुछ नहीं है लेकिन दो दो जो है गंदे नाले यहाँ खोल दिए और यहाँ पर स्वास्थ्य के नाम पर लोगों को ऐसा बुरा हाल है कि मच्छर खा रहे हैं ट्रांसफर करा जी सारा किसान है ना भाई साहब बीजेपी के दिमाग पे नो असर हो रहा है कि पानी गंदे नाले का पानी गंदा नाले का पानी ऐसा नहीं है आप आंकड़ों के आधार पर देखेंगे तो पिछले पांच साल में जितना पानी आया है वो पिछले दस साल नहीं आया मैं ये आंकड़ों के आधार पर अगर आप कहते हैं तो मैं पूरे आंकड़े लेकर के आता लेकिन हमारी सरकार ये आंकड़े ही लेके बैठेंगे आपको जो झूठे आंकड़े आपको गुड़गांव में दिया आप एक एक चीज जाकर के भाई साहब ये इन्होंने गंदा पानी आपको लेके बैठेंगे ये आंकड़ों में लिखा हुआ है और यहां से लेकर सोना तक का सबसे बड़ा एलिवेटेड हाईवे जिसकी बात कर रहे हैं वो यहां है सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बीजेपी वाले के दिमाग में कौन लगा पूरे देश को जो ये कहते हैं ना स्वच्छ भारत ये स्वच्छ भारत दिखा दो बीजेपी को जो इन्होंने पांच साल में किया टोटल टोटल छोड़ो आने की बात छोड़ो नहीं बनाए थे उसके अंदर कम से कम 16-17 फुट पानी भरा हुआ था वहां से नाव भी भारो नाव भी निकलते ऐसा कभी अंडरपास भर चुका था और गाड़ियां 16-17 गाड़ियां वहां पर डूबी हो जाता ये तो था बरसात होते ही गुड़गांव नहर नदी बन जाता है बरसात होते ही गुड़गांव को आप छोड़ दीजिए गुड़गांव नदी बन जाता है नाव चलाइए आप यहाँ पे आपकी गाड़ियाँ नहीं चलेंगी देखिए सबसे बड़ी जहाँ विकास होगा वहाँ कोई छोटी मोटी कमी हो सकती है लेकिन उसके बाद सारी चीजों पर ठीक ये कहाँ की बात कर रहे हैं अरे भैया मेरी बात छोड़ो पहले मेरी बात छोड़ो ये किसकी बात कर रहे हैं ये किसकी बात कर रहे हैं इनके नेता भर्तियों के घोटाले में भर्ती है इनके नेता भ्रष्टाचार में मुख्यमंत्री थे उनके नेता झूठ बोलने में माहिर है और मनोहर लाल खट्टर के बारे में नरेंद्र मोदी के बारे में कोई भी आदमी भ्रष्टाचार की बात कोई कह दे एक रुपए के भ्रष्टाचार को कोई साबित कर दे अरे दादा पानी स्कैम हो गए 5000 करोड़ दीवानी का दादा पानी मोबाइल मैं जवाब देता हूँ दादा माइनिंग स्कैम 5000 करोड़ दूध ले लो सबसे बड़ी है पटौदी का बाईपास आते इन्होंने घोषणा करी थी कहां है बाईपास
और फरुख नगर में एक बाईपास का दादू राजा इन्होंने बनाया है और वो भी गौशाला तोड़कर वो भी गौशाला तोड़कर और अपने हितों के वाणिज्यिक हितों की रक्षा के लिए इन्होंने वो दादू राजा एक बाईपास बनाया है। और जिस प्रकार से फ्लाई ओवर अभी पिछले दिनों टूटा, कौन जिम्मेदार है उसके लिए? जो 6 महीने भी नहीं चल रहे और सारे मेरे साथी आपसे अभी कहा इन्होंने गुड़गांव में जिस प्रकार से वर्षा के दौरान इससे बुरी बात क्या हो सकती है? बारिश के पानी पे उनके पास कोई जवाब नहीं, इनके पास जवाब साहब किसी बात के लिए कोई जवाब नहीं है, इनके सिवाय धर्म के नाम पे जलाने वाले लोग हैं। मैं इनको बताना चाहता हूँ कि ये एक तो सारे चौकीदार लिख ले, भिवानी में 20 आदमी अंधे हो गए इनकी चौकीदारी के चलते। दादम माइनिंग स्कैम 5,000 करोड़ खदान बेच दीजिए आपने बता दू, आपने एक रुपए बता दियो। गुड़गांव के कितने हरे गुड़गांव के करने लगे, एक गंडा मर जाएगा डब्बा सब। डब्बा सब फ्लाई ओवर जब बनता है हमारे यहाँ 2 महीने में टूट जाते हैं। जब पानी आता है यहाँ पे तो उस समय और सीवरेज के पानी में बंदर नहीं कर पाते। जब शिक्षा की बात आती है, स्कूल बंद है, प्राइवेट स्कूलों ने लूट मचा रखी है, हर महीने 50,000 रुपए फीस है बच्चों की, कैसे पढ़ाएंगे गुड़गांव के बच्चे? गुड़गांव और रोजगार देने की बात करते हैं, पूरे देश को इंटरनेशनल सिटी है, यहाँ सरकारी महकमा में पन खाली है। जब आप तहसील में जाओगे, जब आप डिस्ट्रिक्ट में जाओगे, आपको पता चलेगा अधिकारी नहीं है, कर्मचारी नहीं है वहाँ पे, लेकिन आपको पैसे भरने की कोशिश नहीं किया। प्राइवेट जितने भी कंपनी है वो उठ उठ के जा रही है, गुड़गांव में कितनी कंपनियां जा चुकी है यहाँ से। आप एक मिनट रुक जाओ, आप ही से सवाल करने आ रहा हूँ मैं। आपकी सरकार बनी, आपने भी कहा 10 साल आपकी सरकार रही, ये पीछे ऑटो मार्केट का एक इशू है और बड़ा इशू है, आपके टाइम पे भी मेरे ख्याल में उसका नीम पत्थर रखा साहब, ये हमने गुड़गांव 5 साल आपने राज किया, 10 साल इन्होंने किया, 5 इनके हो गए, 20 साल ऑटो मार्केट में भाई साहब, और इसमें कब्जा देख लो आपके सामने ही है। देखो सबसे बड़ी बात ये है, लोकसभा के चुनाव आने वाले 11 मई को है, कांग्रेस पार्टी के पास करेंगे डेट नहीं है अभी किसी का। भैया मेरी बात सुन ले, एक मिनट, इनके पास कैंडिडेट नहीं है, केजरीवाल वाले कहते हैं कि कांग्रेस के साथ समझौता करेंगे, चौटाला वाले कहते हैं कि वो कैंडिडेट देगा, उनके पास कैंडिडेट नहीं है, दोनों में से किसी के पास कैंडिडेट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास साफ सुथरी छवि के कैंडिडेट है। दूसरी बात, जितना विकास का काम, जितने विकास का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस लोकसभा क्षेत्र में किया, उसका परिणाम ये है कि कांग्रेस का पार्टी के पास कोई कैंडिडेट नहीं है। अभी किसी का नाम लेके आते हैं, इनके कई ऐसे कैंडिडेट है जो 3 साल से तैयारी कर रहे थे, अब तैयार कर रहे थे, उनके पास कोई लेना देना नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम नहीं किया होता, विकास नहीं किया होता, तो आज अपोजिशन के पास चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार होता, आज किसी के पास नहीं है। इनके पास विधानसभा के कैंडिडेट नहीं है, इनके पास नगर परिषद के लिए कैंडिडेट नहीं है। अगर वास्तव में भारतीय जनता पार्टी पारदर्शिता के साथ, ईमानदारी के साथ काम नहीं करती, तो आज इनके पास उम्मीदवार के लोग होते, लेकिन आज इनके पास अगर उम्मीदवार नहीं है तो सिर्फ इसलिए नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पारदर्शिता नवाज साहब आज बहुत ही दुखद विषय है कि
जो भी यहाँ विभिन्न पार्टियों के प्रतिनिधि के तौर पे जो साथी आए हैं, गुड़गावा लोकसभा से संबंधित कोई बात नहीं कर रहा है, कोई दिल्ली पहुंच रहा है, कोई दिल्ली पहुंच रहा है, गुड़गावा लोकसभा ऑटो मार्केट में ऑटो मार्केट का, और जो भारतीय जनता पार्टी के साथी हैं वो तो उनके पास तो जवाब ही नहीं है। अब मुझे ये जवाब तो सुनते नहीं, एक ही आदमी कर रहा है, अब मुझे किराए के आदमी से बात नहीं बनती है। दवा साहब बैठो पार्टी के, एक को बोलने नहीं दे रहे। हाय 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 दवा साहब, मुझे अभी आप बीच में बोल पड़े, मैं बहुत ही पूरे दक्षिण हरियाणा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक सवाल लेके उस पे एक सवाल करता हूं, आप बोल के गए, अभी सुनिए भाई साहब, गवाह साहब जिनको जल्दी थी वो चले गए। आज जो बहुत महत्वपूर्ण विषय है, सभ्य आदमी नहीं हो जो आपस में जो जो आज बहुत महत्वपूर्ण विषय है गवाह साहब, मैं तो आ रहा हूँ मुंबई के पास, आप भी कोई चीज है, मैं तो आ रहा हूँ, आप बैठ के समय तो बेहतर है, खराब है, धूप में बैठे हुए हैं क्या, हमारे से कोई नहीं, जिनको जल्दी हो चले जाएंगे कोई बात नहीं। दवा साहब मुद्दे की बात सुनो, देखिए मैंने जैसा कि पहले बताया, बहुत दुखद है कि गुड़गावा से जुड़ी समस्या नहीं उठा रहे, अब विषय ये है गुड़गावा से जुड़ी सारी समस्याएं। दवा साहब आपके पास जवाब, दवा साहब दवा साहब कांग्रेस पार्टी है गुड़गावा, मैं इन सभी जो मैं 10 साल कांग्रेस सरकार रह के चलेगी, वीरेंद्र जी जब भी सांसद होते हुए अपने एमपी साहब और 5 साल होने को आ रहे हैं, हमारे गुड़गांव की जीवन रेखा है एक्सप्रेस वे, जब भी इन्होंने अपना मुद्दा उठाया कि हम टोल खत्म करेंगे, इंडस्ट्रीज सफर कर रही हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, आज भी ये रोजाना कभी खट्टर साहब सर्वे करके जाते हैं, आज तक कुछ नहीं हटा, अभी कल परसों आज भी अखबार में पढ़ा है, अभी रेट बढ़े हैं उसके, इंडस्ट्रीज वालों ने वो मीटिंग कर ली, वो रिक्वेस्ट कर ली, क्या किया, आ जाते हैं कांग्रेस पे, कांग्रेस का जब खुद अध्यक्ष महोदय पिटता है तो हल्ला मचाते हैं जी, हमारा अध्यक्ष महोदय जब वो खुद सेफ नहीं है, इधर ये चिल्लाते हैं अपने एक भाई हमने ये कर दिया वो कर दिया, अभी ये बनाया है अपना नगर निगम से कन्वर्ट हुआ है जेएमडी में, अभी बसों का बेड़ा है, बसों के बेड़े में कितनी दाल ली हुई है सबको पता है जी जी, टोल का मुद्दा उठाया है बड़ा मुद्दा है, जैसा कि नेताजी बोल रहे थे गुड़गावा के संबंधित कोई भी बात नहीं करी जा रही है, आज बीजेपी सरकार में इतना ज्यादा क्राइम बढ़ गया है, आए दिन मर्डर हो रहे हैं, इस पे बात कही जाए जी जी, दो बड़े मसले हैं दवा साहब, एक सवाल है मेरा, दोनों तो ही खड़े लग रहे जो भाई, एक छोटा सवाल दवा साहब, आपने हमारा जवाब नहीं दिया, राजा जी एक सेकंड, एक महीने में एक मर्डर हो रहा है जी, दवा साहब मेरा एडिशन दे देंगे, थोड़ा सा जवाब दे दें, कोई बात नहीं, मेरा कहना ये है कि मर्डर हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार ने एक सवाल जरूर दे दे, आपके पास जवाब दे देंगे ना साहब, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार ने हरियाणा प्रदेश में जगमग योजना शुरू करी, और आज अगर मैं पूरे दक्षिण हरियाणा की बात करूं, विशेषतः गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र की बात करूं, 35-40% जो किसान बंधु हैं वो ढाणियों में अपने खेती क्यारी के काम के लिए रहते हैं, और सारे के सारे जो ढाणियों में निवास करने वाले किसान बंधु हैं उन्होंने घरेलू कनेक्शन लिए हुए, लेकिन उनको बिजली जो घरेलू इस्तेमाल की बिजली है वो मात्र 6 घंटे मिल रही है, ऐसा अन्याय क्यों? मेरा टोल, मेरा एक छोटा सा सवाल हो जाती है, आप बोलिए, एक छोटा सा सवाल भाई, बीजेपी वाले सिर्फ 4 नाम गिनवा दो, आदर्श सांसद ग्रामीण योजना के तहत जो इंद्रजीत ने गोद लिए थे हर साल उनके नाम ही गिनवा दो, काम तो दूर की बात है, गांव को आंकड़ों की बात कर रहे थे भाई, सफाई की बात कर रहे हैं, आप देखिए स्वच्छ भारत गुड़गावा विश्व का सबसे गंदा शहर है, गुरुग्राम नगर निगम इसका 2200 करोड़ रूपए संपादन का गया, और हरियाणा मानवाधिकार आयोग को हरियाणा सरकार को नोटिस जारी करना पड़ा कि आप जो बजट खर्च नहीं कर रहे, जिससे जो जन सुविधाएं हैं, जनता से जुड़ी हुई चीजें हैं, सफाई है, स्वास्थ्य है, गलियों का निर्माण है, वो चीजें गुरुग्राम में नहीं हो पा रही है। दूसरा आप ये बताइए गुरुग्राम में एक चीज देखिए, हम बता रहे दवा जी,
इनको याद भी नहीं आदर्श ग्राम बना दिया भाई साहब याद दिला दो गुरुग्राम में नहीं मैं बता रहा हूं आपको मैं बता रहा हूं 2012 में जो गुरुग्राम का एक्सप्रेस वे जिसका मुद्दा उठा टोल का उस टोल प्लाजा को सिरोल टोल प्लाजा को हमने समाप्त कर दिया था भेड़ की दौड़ा पर टोल प्लाजा समाप्त नहीं हो था हमने एम्बियंस मॉल से और पचगा माता के नए ग्रेटर एसपीआर का निर्माण करने के लिए सेक्शन 40 हो गया राजा जी इतना टाइम नहीं है इतना टाइम नहीं है टाइम नहीं है पूरी बात करने का टाइम नहीं है आपके लिए भी तो नहीं ना सब है यहाँ पे आपके अलावा भी तो है और लोग आपके अलावा भी तो लोग है भाई साहब ना 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 जवाब जवाब देने दीजिए जवाब देने दीजिए ये कांग्रेस ये जो यहाँ दिख रही है और लोग नहीं है क्या और लोग नहीं क्या बात कर रहे हो आप आपको आपको पता है जितना टाइम इन्होंने नहीं लिया उससे ज्यादा आपने लिया और फिर आप बात कर रहे आपके पास जवाब तो नहीं है जवाब लेने दोगे तभी तो आपको बोलने के लिए या बुलाया पूछने के लिए बुलाया आपको बोलने के लिए बुलाया भाषण आप भाई साहब भाषण राजा जी मंचों पे दे रहा भाषण देने के लिए नहीं बुलाया आपको यहाँ पे बात कर रहे हैं आपको बात को मुद्दा ना 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 गलत आपका भाषण देने के लिए मंच आपका भाषण के लिए नहीं है नहीं शहरी संपदाओं को ये क्या गलत है 10 करोड़ रुपए की कीमत थी उसको आया क्या 1 करोड़ रुपए में नीलाम किया था भाषण के लिए नहीं है भाई साहब आपके भाषण के लिए नहीं नहीं गलत नहीं ये गलत आरोप आप इसलिए लगा रहे हो क्योंकि आप ज्यादा बोल चुके हो आप औरों से ज्यादा टाइम ले चुके हो इसलिए आरोप लगा रहे हो समझे भाई साहब आधा प्रोग्राम पूछ लिया एक बार उनका आप इसलिए आरोप लगा रहे हो बोलने का मौका दे दिया तो गलत भी बोलोगे आप बोलिए भाई साहब आदर्श ग्राम बता दिए बोलिए 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 चार चार गांव के नाम बोलिए एक मिनट देखिए GMDA बनाया गया गुड़गावा के विकास के लिए जिसकी सोच ना लोकदल की थी ना कांग्रेस की थी ये सिर्फ बातें बातें करते थे GMDA कांग्रेस के टाइम में योजना हुई थी अब कैसी बात कर रहे हैं झूठ बोल रहे हैं दूसरी जब आप इतना बोले थे एक बार भी आपके बीच में कुछ नहीं बोला नहीं एक मिनट रुको मैंने इनको डिस्टर्ब किया GMDA किसकी योजना थी आप बताइए मैंने इनको डिस्टर्ब किया क्या नहीं थी टोन पे जवाब दीजिए टोन पे जवाब टोन क्या कर रहा रुक जाओ यार मैंने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया मेरे को पूरा समय मिलना चाहिए मैं अपनी बात रखूंगा जिसको विरोध करना है जिसको विरोध करना विरोध करे टोल है दूसरा क्राइम है तीसरा बिजली है मैं याद दिला दूंगा आपको आप बोल रही है टोल का एक मुद्दा है बिल्कुल सही है अरे रुको इसमें कोई झूठ मत आप बात सुनिए टोल का मुद्दा बिल्कुल सही है बाणेसर इंडस्ट्री एरिया के लिए ये टोल एक आपदा है एक तरह से इसको हटाने के लिए प्रदेश सरकार ने कई बार केंद्र सरकार के संपर्क में सारी चीजों को क्योंकि फाइनेंशियल मैटर है टोल इसमें केंद्र का मसला जल्दी कीजिए बिल्कुल ठीक है टोल बिल्कुल हट रहा है इसके लिए सारी प्रक्रिया पूरी हो गई है जहाँ तक क्राइम की बात है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महिला थानों से लेकर के जितने भी आप क्राइम का ग्राफ है आप डाटा और आंकड़ा दोनों चीज मिला लीजिए मैं कोई आज आंकड़ा यहाँ से दोनों का अगर वास्तव में क्राइम का कोई आंकड़ा था तो 2004 में था 2012 तक जो क्राइम का आंकड़ा था उस आंकड़े को भारतीय जनता पार्टी सरकार के आंकड़ों के साथ आप भी मिला लीजिए यही मेरा जवाब ये बताओ जगमग गाँव मेरा गाँव कोई एक गाँव बताओ जगमग दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम और उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम दो हरियाणा है दोनों के आधार पर पहले मेरी बात कंफ्यूज हो गए दक्षिण हरियाणा उत्तर विद्युत भी गलत हो गए पूरी बात ये कौनसानी का माहौल बनाने का कारण किया है घाटे से कार्यक्रम अपने अभी भी बना दिया द्वारा और जितनी जगमग योजना की ये आंकड़े जो बता रहे हैं जगमग योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सवाल ले रहा हूँ में सबके पास आ रहा हूँ आप ये बता दीजिए बहस बहुत होली राजनीतिक होली सब होली है मुद्दे डिस्कस हो गए आप ये बताइए गुरुग्राम सीट के विकास के लिए आपके पास अगर आपका सांसद बने तो लोगों को क्या आप योजनाएं बताएंगे जिसकी वजह से आपके सांसद को वो चुन के भेजे आपके प्रतिनिधि को देखिए भाई साहब पहली चीज तो ये कि जैसे ही आम आदमी पार्टी की सरकार या विधायक यहाँ से सांसद बनेंगे
हम शिक्षा पे ऐसा काम करेंगे जैसे हमने दिल्ली में काम किया है। दिल्ली में पूरे देश के इतिहास में सबसे ज्यादा शिक्षा पे काम हुआ है। स्वास्थ्य में सारी दवाइयां हम फ्री करेंगे, सारे इलाज कराएंगे, डॉक्टरों की भर्ती होगी, नए सरकारी हॉस्पिटल खुलेंगे और बिजली फ्री होगी, पानी फ्री होगा। ये आम आदमी पार्टी का नारा है। बिजली फ्री, पानी फ्री, हेल्थ का इश्यू सॉल्व करेंगे, रोजगार देंगे। आप बोलिए बाबा साहब। इससे पहले के मैं अपनी पार्टी की, अगर हमारा सांसद चुना जाता है प्राथमिकता गिनाऊं। अभी भी गुरुग्राम से जुड़े हुए मेरे विषय समाप्त नहीं हुए। आप सुन लीजिए, आप बैठिए, आप सुन लीजिए। देखिए नहीं, जो अब तक किसान की पार्टी स्कल नहीं हुई, आप गुरुग्राम में सारे किसान हैं, आप सुनिए मेरी बात। जिस प्रकार से अतीत में सरसों, जो बाजरा, कपास और धान की लूट निरंतर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है निरंतर जारी है। आज भी 4200 के स्थान पे 3000 और 3200 में जिस प्रकार से सरसों की लूट हो रही है, ये मुद्दा है साहब, ये मुद्दा है। ये आज सारे के सारे अखबारों में चार चार पांच पांच पास योजना, आपके पास योजना हो तो वो हमारे पास योजना है। हमने जब भी हमें सरकार में अवसर मिला, हमने किसानों के एक एक दाने की खरीद जो MSP थी उस पर खरीदने का काम किया, ठीक है। और आज क्या किस प्रकार से लूट चल रही है वो आप सबके सामने है। किसानों और रही बात, किसानों की फसलें खरीदी जाएंगी, एक एक दाना खरीदा जाएगा। बोलिए निसंदेह नवासी, कांग्रेस की सरकार जब बनी तो गुरुग्राम लोकसभा में नल्लड़ में मेडिकल कॉलेज देने की बात हो, राजीव गांधी आई हॉस्पिटल, आगे की बात कीजिए, आगे की कोई योजना हो तो बनाने की बात हो, आगे की योजना इंदौर में है, आगे बढ़ो। सुनिए सुनिए, आगे की योजना सबसे बड़ी तो हमारे न्याय योजना है कि हमारी सरकार बनी तो हम भी हर BPL कार्ड होल्डर के खाते में प्रति वर्ष 72,000 रूपए डालेंगे, जैसे बीजेपी ने 15 लाख दिए होंगे। आय दुगनी करने का हम काम 100% करेंगे। डिफेंस यूनिवर्सिटी हम बनाएंगे, गुरुग्राम यूनिवर्सिटी 650 एकड़ में बनाएंगे, गुरुग्राम के एक्सप्रेस वे के बोझ, ट्रैफिक के बोझ को कम करेंगे हम। और जब हमारी सरकार की मारुति उद्योग लेके आए, हीरो होंडा लेके आए, और अब हम जब हमारी सरकार बनेगी तो भी हम हरियाणा को उद्योगों का सिरमौर दोबारा से बनाएंगे, किसानों की उनकी फसल का पूरा दाम देंगे जब हमारी सरकार बनेगी। हमारा गुड़गांव बेच दिया कांग्रेस ने, बीजेपी क्या कुछ करेगी बता दीजिए भाई साहब, गाँव के नाम बता दिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ट्रांसपेरेंट पारदर्शी सरकार, नौकरियों में पारदर्शिता, मूलभूत ढांचे में जो ये नेशनल हाईवे बनाते थे उससे 1.5 गुना नेशनल हाईवे हमारी सरकार ने बनाया। आगे आगे की योजना, मेट्रो की परियोजना अलवर तक गई, जितने भी विकास के काम हुए उनमें अगर कोई कमी रह गई हो तो उसको और बेहतर के लिए हमारा संकल्प है। और जितने भी विकास के काम हुए उसमें कमी रह गई तो पूरा करेंगे। ये था हमने हर मुद्दे पे बात करने की कोशिश की, लोगों से भी भाजपा वार्ड प्रभाव जी वे चार गांव बोल दिए थे गोदी में उतर लिए। पहुंचेगा फरीदाबाद, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं खड़े होंगे। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।